बात करेंगे नए साझेदारों का प्रवेश पे, दैट इज अगर हमारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश लेता है तो उस समय कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उससे रिलेटेड MCQs पे अपन बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मैं अधिकतर बोलूँगा कि ए और बी की फर्म है और सी ने प्रवेश लिया। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, अधिलाभ क्या है, सुपर प्रॉफिट इज। ठीक है, मेरा एक अप्रोच ये रहता है कि मैं ऑप्शंस देखूं, उससे पहले मैं मन में इसका आंसर सोच लेता हूं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, फिर उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें से मिला लेंगे। आप पॉज करके अपना आंसर रोक के देख सकते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्या है, तो देखिए सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की क्षमता। जो व्यक्ति नॉर्मल से ज़्यादा कमाता है, जो व्यक्ति फर्म नॉर्मल से ज़्यादा कमाता है, हम कहते हैं कि उसने सुपर प्रॉफिट कमाया। तो सुपर प्रॉफिट का जो सूत्र होता है वो होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। जैसे मान लीजिए सामान्य लाभ है 80,000, 80,000 सब कमाते हैं और 1,00,000 मैं कमा रहा हूँ, तो मैं 20,000 अधिक कमा रहा हूँ, तो अधिक से शब्द निकलता है अधिलाभ। तो इसका बेटा आंसर रहेगा ब, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्वेश्चन दूसरा आया, ए व बी बराबर के साझेदार हैं, उनकी कैपिटल 16,000 और 12,000 है, सी 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है, वह 15,000 रुपये पूंजी के लिए लाता है, तो फर्म की ख्याति का मूल्य क्या होगा। वेल, हमसे गुडविल पूछा गया है। जनरली हमारे दिमाग में आता है कि गुडविल निकाली जाती है प्रॉफिट्स के बेसिस पे, मतलब प्रॉफिट दिया हुआ होगा उससे हम गुडविल निकालेंगे, लेकिन कभी कभी कैपिटल से भी गुडविल निकाली जाती है, और कैपिटल से जो गुडविल निकाली जाती है उसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे सी की कैपिटल दे रखी है आपको, अब आपकी सी की कैपिटल है 15,000 और सी का अनुपात है 1/4, तो आप 1/4 को उल्टा कर दो, उससे आपके पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। सी की कैपिटल का आप उल्टा कर दो, उससे आपकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए उसका आइडिया हो जाएगा, वो हो जाएगा 60,000, और 60,000 में से फिर आप जो इनके एक्चुअल कैपिटल है 16,000, 12,000, 15,000 उसको हटा देना और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नीचे अभी सॉल्यूशन में, 17,000 इसका आंसर आएगा। ये कैसे आया है मैंने समझाया है इसको, यहाँ देखिएगा आप, जैसे 15,000 कैपिटल है सी की, तो टोटल कैपिटल शुड बी 60,000, उसके बाद 60,000 में से जो इनकी एक्चुअल कैपिटल है 16,000, 12,000 और सी की 15,000, ये सब मिला के हो रहा है 43,000, तो 60,000 में से 43,000 हटाएंगे तो 17,000 आ जाएगी हिडन गुडविल, हिंदी में बोलते हैं गुप्त ख्याति, इन्फर्ड गुडविल भी इसे कहते हैं, मानी गई ख्याति भी इसको बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल संपत्तियां अगर 70,000 हो और दायित्व 10,000 हो, ऐसे में अगर औसत लाभ 8,000 हो, सामान्य प्रत्यय की दर 10%, अधिलाभ की राशि क्या होगी। वेल, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट के लिए हमें औसत लाभ चाहिए और सामान्य लाभ चाहिए। औसत लाभ 8,000 दे रखें, सामान्य लाभ चाहिए, तो पहले आप अपनी कैपिटल पता करो। जैसे इस क्वेश्चन में असेट 70 के हैं और लाइब्रेरी 10 के हैं, तो आपकी कैपिटल हो गई 60,000, आपकी कैपिटल हो गई, ए में से एल हटा दो तो सी आ जाएगा। एक बार आपकी कैपिटल आ जाएगी तो उस पर कितना लाभ होना चाहिए, सामान्य प्रत्यय की दर का मतलब होता है इतना लाभ तो होना चाहिए, इतना लाभ कमाना तो नॉर्मल है, तो आप 60,000 का 10% निकालेंगे जो कि 6,000 आएगा, 6,000 इज द नॉर्मल प्रॉफिट, 8,000 एक्चुअल प्रॉफिट, 2,000 हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। इसका आंसर ब रहेगा, बी 2,000 रुपी। अगेन मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, व्यापार में लगी हुई पूंजी 60,000, उसके बाद आपको जो कमाना चाहिए, जैसे हम जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जिस उद्योग में हम कार्यरत हैं, वहाँ पर 10% लाभ होना चाहिए, तो 6,000 तो लाभ होना ही चाहिए, और फिर सुपर प्रॉफिट से आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक बार मैं फिर कहूँगा, आप क्वेश्चन पढ़ते ही पहले पॉज कर दिया करें, पॉज करके आंसर सोचा करें तो आपको अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा बेटर इसका MCQ का फ़ायदा उठा पाएंगे। आंसर सुन के याद करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, और MCQ मेरा एक थोड़ा मानना है कि तब लगाने चाहिए जब आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी हो, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी हो, और अब आप चेक कर रहे हो कि मैंने पढ़ाई ओके करी है या नहीं करी है, या मैंने सफिशिएंट पढ़ाई करी या नहीं करी। MCQ से आपको ये फ़ायदा भी होता है कि अगर आपका कोई एरिया है जो छूटा हुआ था, मान लो किसी बच्चे ने गुप्त ख्याति वाला पॉइंट ना पढ़ा हो, तो उसको ध्यान आ जाएगा यार ये वाला पॉइंट तो मैंने कवर ही नहीं किया,
तो वहाँ उसका बेनिफिट होता है, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना आना चाहिए। खैर, लाभों में हिस्सा बांटने के लिए नया साझेदार डैश डैश चुकाता है, पूंजी चुकाता है, ऋण चुकाता है, ख्याति चुकाता है या अनुदान चुकाता है। वेल, अगर उसे लाभों में हिस्सा चाहिए तो उसे ख्याति की रकम लानी पड़ेगी। यहाँ पे हमें पता है कि एक पार्टनर को दो अधिकार मिलते हैं जैसे ही वो फर्म में आएगा। एक तो उसे संपत्तियों में अधिकार मिलेगा और एक उसे लाभों में अधिकार मिलेगा। लाभों में अधिकार मिले यानी वो भी प्रॉफिट शेयर करे, उसके लिए उसे गुडविल लाना पड़ेगा। इसका आंसर सी होगा, ख्याति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार चुकाता है। इसे आप थोड़ा समझो। एक फर्म है जो ए और बी की है, उनके पास मान लीजिए जो भी संपत्तियां हैं, कार, बिल्डिंग, मशीन, आज के दिन वो ए और बी की हैं। कल को सी भी कह सके कि ये मेरी भी प्रॉपर्टी है, आई एम द जॉइंट ओनर, मेरी जॉइंट प्रॉपर्टी है। ये कह पाए, ये हक उसे तभी मिलेगा जब वो कैपिटल लाएगा। तो यूं होता है रूल कि पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर अ होगा। यस, तो अब मैं इसको समझाऊँ आपको। अगर आप कैपिटल लाते हो तो आपको असेट का हक मिलता है, बैलेंस शीट पे हक मिलता है, और अगर आप गुडविल की राशि लाते हो तो आपको पी एंड एल पे यानी प्रॉफिट या लॉस पे हक मिलता है। इसीलिए दोनों चीज़ें वो लाता भी है। पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार का है, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह का है, पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है, क्या है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लाभानी बताता है और लाभानी खाते बताने वाले खाते नाम मात्र के होते हैं। तो बेटा इसका आंसर ब आएगा, नॉमिनल अकाउंट। चलिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, आपको खुद सही जाएंगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा। नए साझेदार के प्रवेश पर जब संपत्तियों व दायित्वों का मूल्य बदलना चाहते हैं तो बनाया जाने वाला खाता कौन सा है? वेल, हमें यह पता है कि जब एडमिशन होता है तो हम असेट को रिवैल्यू करते हैं, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करते हैं, उससे जो भी लाभ हुआ या हानि हुआ उसको दिखाने के लिए अपन एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है पुनर्मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कभी कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट नाम दिया होता है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप वो भी देख लेना, अगर आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट नाम दे रखा हो तो उसका आप ध्यान रख लेना, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है बेटा जी, सभी अवितरित हानियों को पुराने साझेदारों के कैपिटल खातों में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है? वेल, आपने एडमिशन के क्वेश्चन देखे होंगे, और मैं बताऊँ एक बात और, अकाउंट्स थ्योरी की तरह नहीं होता। मतलब अकाउंट्स का अगर आपका प्रैक्टिकल किया हुआ है तो आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आती है, और होलिस्टिक अप्रोच तभी बनती है जब आपको प्रैक्टिकल भी आता है, थ्योरी भी आता है, तब आपको बहुत मज़ा आएगा। खैर, तो आपने अगर एडमिशन के क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें जो बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट में कभी कभी पी एंड एल दिया हुआ होता है, और पी एंड एल दोनों तरफ हो सकता है। अगर वो असेट साइड की तरफ दिया हुआ है तो उसे लॉस बोलते हैं, ठीक है, अवितरित हानि। वेल, इसे आप यूँ याद कीजिए फंडामेंटली कि पुरानी बैलेंस शीट में जो कुछ भी होता है वो पुराने रेशो में डिवाइड होता है। मैं लाइन कंप्लीट करता हूँ, पुरानी बैलेंस शीट में जो कुछ भी होता है बांटे जाने जैसा, वो पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो में जाता है। तो पुरानी गुडविल पुराना रेशो, पुराना लाभ पुराना रेशो, पुरानी हानि पुराना रेशो, तो बट पुराना पुराना सा जम जाएगा। इसका आंसर आपका स हो जाएगा, ठीक है बेटा? चलिए, याद हो जाएगा आपको, डेफिनेटली याद हो जाएगा आपको, कुछ चीज़ें सुन लेते हैं तो हो जाता है काम। ख्याति का स्वभाव होता है बिल्ली का स्वभाव, कुत्ते का स्वभाव, चूहे का स्वभाव, उपयुक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त सभी आएगा। गुडविल तीन तरह की होती है, एक चौथा प्रकार भी होता है, बट देखिए, अगर हमारा ग्राहक ऐसा है जो संस्था की तरफ आता है, संस्था के स्वामी से मतलब नहीं है, संस्था की तरह आता है, तरफ आता है, तो उसे होता है बिल्ली का स्वभाव। अगर ग्राहक ऐसा है जो स्वामी के प्रति वफादार होता है, किसी व्यक्ति विशेष की वो सेवाएँ लेना चाहता है, तो ग्राहक का स्वभाव कुत्ते का स्वभाव माना जाता है। और अगर ग्राहक बहुत कैजुअली बिहेव करता है, बहुत ही आकस्मिक उसका व्यवहार है, कभी वो हमसे लेता है, कभी किसी और से लेता है, तो उसका चूहे का स्वभाव होता है। तो ये सब ख्याति के प्रकार माने जाते हैं। सबसे मूल्यवान ख्याति बाय द वे बिल्ली के स्वभाव वाली होती है, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति को सबसे मूल्यवान ख्याति बोलते हैं, कैट्स गुडविल। वैसे एक और गुडविल होती है, खरगोश की ख्याति, पता कीजिएगा खरगोश ख्याति। चलिए, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ए व बी एक फर्म में दो अनुपात एक में साझेदार हैं, वो सी को एक तिहाई हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, तो उनका त्याग अनुपात क्या होगा? इसे आप लॉजिकली सोचिए, सी आया तो सी को आने किसने दिया? ए और बी ने। अब कभी तो क्वेश्चन बोल देता है कि ए और बी ने कितना कितना त्याग किया, सी के आने पर कितना कितना सेक्रीफाइस उन्होंने किया। अब क्वेश्चन अगर नहीं बोलता, उन्होंने केवल ये बोला है कि उन्होंने सी को प्रवेश दिया, तो त्याग ए और बी ने पुराने अनुपात में किया होगा। अब इस लाइन को पूरा सुनना,
नए के प्रवेश पे पुरानों ने उसे आने दिया तो उन्होंने पुराने अनुपात में ही त्याग किया होगा, तो इसका आंसर 2:2 बनाएगा। मैं थोड़ा इसको नीचे समझाता भी हूँ आपको नोट में, देखिएगा इसका आंसर 2:1 है। जैसे ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो जो सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा है उसका 2/3 ए ने दिया, सी का हिस्सा यानी 1/3 उसका 2/3 ए ने दिया। इसी तरह बी ने कितना दिया, बी ने कितना दिया उसका हिस्सा है 1/3 उसका 1/3, तो 2/9 1/9 हो सकता है। इस क्वेश्चन में तुमसे वो पूछता ए का त्याग, तो आपका आंसर होता है 2/9, बी का त्याग 1/9, तो 9 और 9 तो कॉमन है तो 2:1 हो जाएगा। तो आप इसे रट्टे के जोर पे करिए, मैथमेटिकली करिए, ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, चलिए हो गया है एक बार के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी व सी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि सी को अब लाभों में मात्र 1/5 ही हिस्सा दिया जाए। तो अभी उसका वैसे सी का हिस्सा था 1/3, अब हमने उसे कहा कि 1/5 हिस्सा दिया जाए, यानी उसका हिस्सा कम हो गया, उसका कम हो गया मतलब उसे त्याग किया है। तो इस परिवर्तन के लिए फर्म की गुडविल का मूल्य 1.5 लाख रुपये निर्धारित किया गया, तो इस परिवर्तन की जनरल एंट्रियाँ क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सच्ची में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आप पढ़ेंगे, गुडविल टू सीज कैपिटल, कैश टू गुडविल, ए बी टू सी, सी टू ए बी। वेल, इसमें फंडामेंटल बात देखिए, जो सी है उसका अनुपात कम हो रहा है तो सी त्याग कर रहा है, तो सी तो हो जाएगा क्रेडिट, और इस त्याग का फायदा ए और बी उठाएंगे तो ए और बी हो जाएंगे डेबिट, यानी इसका आंसर जो लगेगा वो सी ऑप्शन लगेगा। फिर भी इसकी पूरी कैलकुलेशन समझाता हुआ नोट नीचे आ रहा है। ये तो आ गया आंसर आपका सी आंसर, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। हिंट, सी का आप सेक्रीफाइस निकालिएगा, पहले उसका अनुपात था 1/3, अभी उसका अनुपात है 1/5, तो उसने कितना त्याग किया, 2/15, तो 1.5 लाख, आप 1.5 लाख लिख के, 1.5 लाख लिख के इंटू 2/15 कर लेना, 1.5 लाख इंटू 2/15, ठीक है, आप ये कर लेना, तो इससे आपके पास 20,000 आ जाएगा, और ए और बी का त्याग ऊपर है ही, और ए और बी को फ़ायदा हुआ है तो वो डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन और सोहन एक फर्म में 3,20,000 व 2,40,000 की पूंजी के साथ साझेदार हैं, उन्होंने रोहन को फर्म में प्रवेश दिया, वो 3 लाख रुपये कैपिटल के रूप में लाता है, रोहन के प्रवेश पर फर्म की ख्याति कितनी होगी। ये वापस वही क्वेश्चन आ गया है, गुडविल निकालनी है और पूंजी के आधार पर निकालनी है, तो आप क्या करना, पहले रोहन की कैपिटल देख लो 3 लाख, यानी नए वाले की कैपिटल देख लो, और नए वाले के अनुपात का उल्टा कर दो, तैसे यानी रोहन की कैपिटल 3 लाख और अनुपात यानी हो जाएगा 4/1, तो 3 लाख को घुमाओगे तो आ जाएगा 12 लाख रुपये। तो अब क्या आ गया, 12 लाख रुपये आ गया एक्सपेक्टेड कैपिटल, अपेक्षित पूंजी, उसमें से आप जो उनकी वास्तविक पूंजी है वो हटा दो, ठीक है, कल एक बार देख लो, नीचे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये 3,40 तो आंसर है। अब आया कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, रोहन की कैपिटल को घुमा दिया, रोहन की कैपिटल से कुल कैपिटल ज्ञात की, 12 लाख होनी चाहिए, जबकि इनकी जो वास्तविक कैपिटल है वो 3 और 2 5 और 3 8 8 60 ही हो रही है एक्चुअल कैपिटल, तो जो गैप है ना 3,40,000 का, वो 3,40,000 है आपका हिडन गुडविल। चलिए अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के समय अवितरित लाभों को साझेदारों की पूंजी खाते में अंतरित करते हैं पुराने, ठीक है, नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है तो आपके पास, चाहे मैंने कहा ना अवितरित लाभ हो चाहे अवितरित हानि हो, जो लाभ नहीं बांटे अवितरित लाभ, जो हानि नहीं बांटी अवितरित हानि। पुरानी बैलेंस शीट का मैटर पुराने रेशो में जाता है, पुराने साझेदारों में जाता है, तो इसका आंसर आपका अ हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे अवसद छप गए, बट इसका आंसर हो जाएगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म की पुस्तकों में गुडविल अकाउंट 2 लाख पे विद्यमान है, एक नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जो ख्याति के लिए 120,000 नकद लाता है, तो नई फर्म के चिट्ठे में ख्याति खाता प्रकट होगा। वेल, देखो, आप पुस्तकों में यानी बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट में गुडविल है 2 लाख पे, तो एक तो ये होगा कि जब नया साझेदार आएगा तो उसको तो हम बंद कर देंगे, एक रूल होता है कि नए साझेदार के प्रवेश पे ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है, तो सबसे पहले पुराना गुडविल तो हो गया राइट ऑफ, तो बैलेंस शीट में वैल्यू हो गई 0। अगर नया साझेदार लाएगा भी तो उसकी एंट्री लग जाएगी जैसे कैश टू गुडविल और गुडविल टू सेक्रीफाइस करने वाले, यानी एंट्री बनेगी कैश टू गुडविल, गुडविल टू सेक्रीफाइस करने वाले। कहने का मतलब है कुल मिला के न्यू बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आएगा, जो ओल्ड गुडविल था वो राइट ऑफ हो गया और नया वाला जो था वो DRCR होकर कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के नई बैलेंस शीट में गुडविल आएगा 0 पे, इसका आंसर ब रहेगा। चलिए सही जवाब।
इसको हिंट भी दिया इन्होंने, ओल्ड गुडविल अकाउंट विल बी रिटर्न ऑफ फॉर न्यू पार्टनर्स एडमिशन एंड न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन हिज शेयर इन कैश, सो नो नीड टू ओपन और रेज अ गुडविल अकाउंट, सो गुडविल अकाउंट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट विल बी जीरो। ठीक है, कई बार क्या होता है नया साझेदार गुडविल की रकम लाने में आनाकानी करता है, तो उस समय हमें गुडविल के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिसमें एक तरीका यह है कि गुडविल अकाउंट ओपन कर दी जाए। हालांकि ये पुराना तरीका है, लेकिन एक तरीका होता है कि गुडविल अकाउंट को ओपन कर दिया जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति लेके आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय लेखा मानक AS10, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता है वो फिक्स एसेट्स के लिए होता है, AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, तो गुडविल भी एक तरह की फिक्स एसेट्स है इंटेंजिबल वाली। तो कहता है AS10 के अनुसार नए साझेदार के प्रवेश पर उसके द्वारा ख्याति की राशि नकद में नहीं लाने पर ख्याति संबंधी समायोजन करते हैं। ओके, मैं एक पुराना नियम बताता हूँ, एक नया नियम बताता हूँ। अगर कोई नया पार्टनर कहता है कि मैं गुडविल के पैसे नहीं दे सकता, तो हम गुडविल अकाउंट ओपन करते थे, ये था पुराना तरीका। रिपीट, जब वो मना करता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो गुडविल अकाउंट को ओपन करके पार्टनर्स अपनी कैपिटल बढ़ाते थे। आजकल ये हो गया है, खास करके AS10 जिन फर्म्स पे लागू होता है उसमें ये कहते हैं कि अगर नया साझेदार ख्याति नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, तो आप पूंजी खातों के माध्यम से एडजस्टमेंट करेंगे, आप कैपिटल अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करेंगे। तो इसका आंसर सी होगा, साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से। और वो भी मैं बताऊँ कैसे होता है, जैसे जो नया आ रहा है नए को तो डेबिट कर देंगे, या जिसे गेन हो रहा है उसे डेबिट कर देंगे, और जिसके अनुपात में कमी आ रही है जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इन्होंने बताया है कि नए पार्टनर की कैपिटल को डीआर कर देंगे, या जिसको गेन हुआ उसे डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसे क्रेडिट कर देंगे। ये तरीका आजकल AS10 में बताया गया है। AS10 कहता है कि जब तक किसी संपत्ति के लिए पैसे नहीं दिए जाएं तब तक उसे बुक्स में एंटर ना किया जाए। तो इसलिए आजकल गुडविल अकाउंट को ओपन करने का जमाना चला गया है, आजकल कैपिटल के माध्यम से एडजस्टमेंट होता है। बस 5 क्वेश्चन और हैं, होप आपको समझ में आ रहे हैं। अधिलाभ क्या है? वेल, अधिलाभ क्या होता है? औसत लाभ जो हमारी फर्म कमा रही है और जो सामान्य लाभ हमें कमाना चाहिए उसका अंतर। ठीक है, अधिलाभ प्लस में या माइनस में हो सकता है, बस प्लस में होने पर ही उसकी कोई वैल्यू है, नेगेटिव अधिलाभ होने पर कोई गुडविल की वैल्यू नहीं मानी जाती। इसका आंसर स हो जाएगा, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, नए साझेदार के प्रवेश पर यह निर्णय किया गया कि संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए परंतु चिट्ठे में पुराने मूल्य दिखाए जाए। मतलब ये रिवैल्यूएशन करना तो चाहते हैं पर बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यूज़ को कैरी करना चाहते हैं, तो इनको बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। सी वाला आंसर होगा इसमें। किस तरह ऐसा क्वेश्चन पहले आया था ना, देखिए नया पार्टनर आएगा, आप असेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करोगे, ये तो सत्य है। बात यह है कि आप नए मूल्य दिखाना चाहते हो क्या? अगर नए मूल्य दिखाना चाहते हो तो बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर आप ओल्ड वैल्यूज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप बनाओगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कैसे बनता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वीडियोस बने हुए हैं, देखने चाहिए। कुछ वीडियोस मैंने इंग्लिश में बना रखे हैं और कुछ वीडियोस हिंदी में भी बना रखे हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हों उसमें करें। बाकी मैं हिंदी माध्यम वालों को सलाह दूंगा कि वो अंग्रेजी माध्यम के ज़रूर से क्वेश्चन देखें। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे जो हायर स्टडीज होती है उसमें अधिकतर कंटेंट इंग्लिश में ही पढ़ने को मिलता है, वहाँ पे भी मैंने हिंदी में ही समझाया है, जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ वैसे ही समझाया है, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है जी, चलिए सर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, गीता सीता एक फर्म में पार्टनर है, लाभों को विभाजन 2:1 में करती हैं, फर्म की गुडविल 120,000 निर्धारित किया गया, भविष्य में दोनों साझेदारों ने लाभों का विभाजन बराबर करने का निर्णय किया, ख्याति के समायोजन हेतु खाता डेबिट करेंगे। वेल, इसमें देखो अनुपात चेंज हो रहा है, पहले गीता सीता का अनुपात 2:1 था और बाद में इन्होंने कर दिया 1:1। तो आप क्या करना, फॉर्मूला लगा के देखना किसने सेक्रीफाइस किया, जो भी इसमें से पट्टी सेक्रीफाइस करेगी वो तो हो जाएगी क्रेडिट, और जो पट्टी लाइक गेन करेगी वो हो जाएगी डेबिट। तो इसके लिए तो आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन नीचे भी लिखी हुई आ जाएगी, आप आंसर पे भले बाद में जाइए। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, अगर गीता की बात करें तो गीता ने सेक्रीफाइस किया है, गीता जिसका नाम पहले आ रखा है, गीता का अभी अनुपात क्या था, 2:3, नया अनुपात क्या है, 1:2, तो गीता ने तो सेक्रीफाइस किया है, और सीता ने गेन किया है, सीता का जो रिजल्ट आ रहा है ना वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब सीता गेनिंग है, तो कुल मिलाकर सीता डेबिट होगी
और 1,20,000 रुपये 1/6 अप्लाई करोगे तो 20,000 आ जाएगा, तो सीता का खाता 20,000 से डेबिट होगा। ये MCQ किसी भी तरह से पूछा जा सकता था कि किसका खाता क्रेडिट होगा या किसका खाता डेबिट होगा, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप बहुत ध्यान से देखना कि क्या पूछा गया है। ठीक है बेटा, चलिए हिम्मत रखिए, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। स्मरार्थ पुनर्मूल्यांकन खाते के दूसरे भाग का शेष विभाजित करते हैं। मेमोरेंडम ड्यूलेशन जब आप बनाना सीखोगे तो आप उसमें देखोगे दो हिस्से होते हैं, पहला होता है ओरिजिनल हिस्सा और दूसरा उसका मिरर इमेज होता है, मतलब जैसे आईना उल्टा दिखाता है वैसे मेमोरेंडम ड्यूलेशन उल्टा बनता है आधे हिस्से में। तो पहला हिस्सा बांटा जाता है ओल्ड रेशो में और दूसरा हिस्सा बांटा जाता है न्यू रेशो में। इन्होंने दूसरे भाग के बारे में पूछा है तो नया अनुपात आंसर आएगा, सी आंसर होगा इसका। चलिए बस खत्म होने को है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। वेल, अजय व विजय एक फर्म में 5:4 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। उन्होंने संजय को साझेदारी में शामिल किया। विजय और संजय के मध्य लाभों का विभाजन उसी अनुपात में होगा जो कि प्रवेश से पहले अजय व विजय के मध्य था, तो साझेदारों के मध्य नया अनुपात क्या होगा? आराम से, पहले इसमें था अजय विजय, ठीक है, अजय और विजय, और अब इनकी फर्म में आ गया है संजय, ठीक है, अजय विजय और अब तीसरा है संजय। आप क्या करना, मैं भी नीचे लिख के दिखाऊंगा आपको, पहले 5-4 लिख लेना आप अजय विजय के नीचे, फिर आप 5-4 लिख लेना विजय संजय के नीचे, और फिर अपने आप एक कैलकुलेशन होगी, मैं बताता हूँ कैसे होगी, ये अभी आप आने दीजिए। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, अजय विजय वह संजय लिख दिया और 5-4 और एक बार फिर लिख दिया 5-4। अब आप ध्यान से देखना, पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आया 20, और फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 16। यानी इसे कह दो, दो तो करने हैं तिरछे गुणा, 5-5 वाले और 4-4 वाले, वो तो है तिरछे गुणा और एक है सीधा गुणा। अजय विजय संजय को एक लाइन में बिठा कर आप इस तरह कर दो तो ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाए बिना आपका आंसर जाएगा 25, मुझे दिखाई दे रहा है 25, 20 और 16। तो इसका आंसर आ गया है 25, 20 और 16। चलिए होप आपकी पीपीटी काम आई होगी। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए। ओके।